श्लोक महल्ला तीजा पांडव पढ़ पढ़ उच्चा कूकदा प्रसाद केंद्र भाई पंडित विद्वान बन के पढ़ पढ़ के इसी वेद शास्त्र के सिद्धांत नूक के सुना है। माया मोह प्यार माया का मोह का माया की प्यार है तो इन गुरबी इन होर गिर जाए अंतर गर्म लाती जरा तेरे अंदर साखी रूप ब्रह्म उसी जान नहीं सकता है। मन मूर्ख गावा इस करके मन का मूर्ख है उत्तम भावे विद्वान बने हैं गवार समझ है इंद्रिया रूपी दानिया विषय रूपी घा चुका गुजिया हुआ दूजा भाए जगत पर बोध जगत भा च माया के प्रेम जाके जगत पर शेष करके बोध का समझाना है। जरा लोगों कथन कर रहे हैं मानो कथे कथ लोग सुना रहे जो बोले सो न विचारे उस विचार आप नहीं समझना धारण नहीं करता है। व्यर्था जन्म गवा व्यर्थ आपका जन्म गवा लिया है मर जमे वारो वार मरदे जमते रहोगे पुनः पुनः बारी बारी। महला तीजा जी सतगुर सेवे सतगुरु सचे पातशाह का सेवन पूजन किया है जिन्हें सतगुर सेविया तिन्नी ना पाया उन्होंने सतगुरों के पास अमृत नाम प्राप्त किया है। संसा तो पुछ के देख लो महापुरुखों ने नाम पाए बूझ के पुछ के विचार करके देख लो सतगुरों की सेवा करके नाम मिलिया है। सदा सात सुख मन वसा नाम जिन्हों के अंदर उन्होंने शांति सारिया वासना मिल जाती है सुख सूख उन्होंने मन च बस जाता है। कूक मार के पचाते पहले कूक भी मार देंगे फिर आदमी फरियाद कर दे चांदा मार के भी पुकार करनी है ये चक्की जाती है उन्होंने आपा लो आप खाए मन निर्मल हो गए अपने स्वरूप के ज्ञान करके आपा जरा हंकार है अंता करने के अंदर जो इतिहास है उन्होंने खा लो नेट दे दे मन शुद्ध होंदा है। और कबदी विचार गुरु साहब के शब्द की विचार करे तो अपने अंता करने के अंदर आपा बेहस खादा जाता मिल सकता है। इसे प्रकार आपा नु आप खाए अपने तन पद लखर्थ द्वारा अपना जो स्रूत है तद पद लखर्थ नु खाए धारण करे ये मन शुद्ध होंदा है। और सबकी विचार गुरु साहब के शब्द की विचार गुरु सबदियों की है नानक शब्द रखे से मुक्त है कहते जो गुरु के शब्द में रंगे हुए हैं पुरुख मुक्त हैं। हर जी हेत प्यार हरी जी के गुरु साहब का शब्द ही हेत कारण है प्यार का हरी वे जरा हित है उन्होंने स्वर्णी जरा हित करना सी वो हरी वे की स्वर्णी आला भी हित दे आला भी प्यार महाराज की है सब कुछ इन्होंने सतगुरु जी हेतु कारण है वाहगुरु के प्यार पौड़ी हर की सेवा सफल है हरि अकाल पुरख की सेवा की हुई उन्होंने सफली है गुरमुख पावा था गुरों द्वारा परमेश्वर की सेवा भगती करनी है उन्हें गुरमुखों की थान सूत की प्राप्ति होंगी है लुखे पाया जाता है इन्हों का जीवन हर भावा तुझ गुर मिला जिन्होंने हरि की भावना दिल चो है हरी ने जिन्हें नुकसान कर्म भाग जाते हैं उन्होंने सतगुरों के दर्शन होंगे मिलते हैं महाराज तू हर नाम जो सतगुरों मिलते भाई परमेश्वर के नाम न्याद और सब जी हर पार साहब के शब्द उपदेश द्वारा ही अकाल पुरख हरी में पाईदा है हर पार लगाए अकाल पुरख का नाम ही संसार समुद्र तो पार लगा वास्ते जहाज है मन हाथ चले ना पाए जेडे भाई मन का हाथ करते रहते हैं उन्होंने किसी ने परमेश्वर ने नहीं पहना किया सिमरतियों वाले जाके पुछ के देख लो नानक हर की सेवा शुरू करे सतगुरु जी कहते अकाल पुरख भी पहल कर सकता है हर ला साहब आज के चरणों ला लैन कौन लगता है। श्लोक महला तीजा नानक सो सूरा वरियान सतगुरु महाराज साहब जी कहते सूरमा है वो बरियान बहादुर है एक तो सूरमा रथी हुंदा है एक महारथी हुंदा है एक अतरथी हुंदा है एक सूरमा हुंदा है सूरमा वो है जो आज के मुकाबले के नाल जंग करे जिवें मुकाबले 10,000 हाथी जिन्ना मुकाबला करने का बल सी प्रीत के धून सैन के दोहां ने अपने युद्ध किया इस प्रकार यह सूरमे रथी जरा 100 आदमी जंग करे
या हजार आदमी जंग करके जित पावे रखी हुंदा है, 10,000 के नाल जिहड़ा जंग करके फतेह पावे वह महारथी हुंदा है, अते जिहड़ा अंगदूतां दे नाल जंग करके अतरथी फतेह पावे वह सर संगत जी उहदा नाम अतरथी हुंदा है। इतने हजूर फरमाते हैं नानक सो सूरा वरिया, जिहड़ा भाई कुसंग तो बच के रहे शरीर करके वह योधा है, वह सूरमा है, अते जिहड़ा अपने इंद्रिया नूं विषयां वल्लों रोक के रखे वह रथी है। जिहड़ा साध संगत जी कुसंगत कर वल्लों ना इंद्रिय जान ते ना शरीर करके जावे वह महारथी है, 10 इंद्रिया के विषयां नूं रोक के। जिहड़ा मन दे संकल्पां नूं हजारां नूं रोक लवे वह अतरथी सूरमा हुंदा है। तो हजूर फरमाते हैं नानक सो सूरा वरिया, सूरमा बरियान बहादुर है, जिन विचों दुष्ट अहंकार मारिया, जिन विचों दुष्ट जिहड़ा अहम अहम करना ना हंकार है, ये हंकार दुष्ट है, इसने जिसने मार लिया है वह बहादुर सूरमा है। दुनिया विच जिहदे हंकार नहीं मरिया वह सूरमा नहीं, हंकार ही अंत नूं नाश कर दिंदा है। गुरमुख नाम साल, गुरमुखां दी संगत करके परमेश्वर दे नाम दी सिफत करदे हन, जो जन्म सवार उहनां नाल दे जन्म सवार लिया है, आप हुआ सदा मुक्त, पुरख आप सदा आप मुक्त हो गया है, सब कोल निस्तारिया, सारियां कुलां नूं वी उसने तार दित्ता है, सोहन सच द्वार, ओ महाराज साहब के द्वार च सचे ते शोभा पाउंदे हन तत विच, नाम प्यारे उहनां नूं महाराज साहब नाम प्यालना कीता है, जो नाम दे प्यारे हन मनमुख मर है अहंकार, मनमुख लोग तो हंकार विच ही मर जाते हैं, मरन विगाड़िया उन्होंने आपके मरन विगाड़ लिया, आप भी मर जाते हैं, लखां खून कुहाड़े मुकदमे नगरों पा देंगे हैं, इस प्रकार उन्होंने आपका मरना बगाल लिया है, मगरों संबंधी बने जाने मुकदमे पै जाने, कई आदमी कतल हो जाने, इस प्रकार मरना बगाड़ना है, इन्होंने मगरों भजन सिमरन कीर्तन होवे ये उन्हों का जन्म सवारना है, सार संगत जी उन्होंने मरना सवारना है, जिन्हें गुरमुखां दे परमेश्वर का सिमरन जिंदे भी कर रहे हैं, मगरों की संगतां विराज जा के कर रही हैं, उन्होंने आपका जन्म सवार लिया है, उन्हें मनमुखा ने मरना भी बगाल लिया है। सब वरता हुक्म, आपका भाई साहब संसार हुक्म की वरत रहा, क्या करे विचारे विचारे कुछ की कर सकते हैं, आपने दूजा लग पर आपने हंकार करके ये दूजे पैसे वाले आपको ही लागे हैं, ये जीव सतम विचार वाहगुरु ने भुलाता ये कारण है इन्होंने भुलन का, नानक बिन लाया सब दुख, सतगुरु महाराज के नाम तो बिना सारा दुख ही चिंबड़िया होया, जीवों ने सुख विसारिया सुख जिहड़ा परमेश्वर का प्राप्त होना से आनंद वह विसार छोड़िया सुखदायक नाम, महला तीजा गुरपुरा हर नाम जिहड़ा परमेश्वर का नाम दृढ़ कराया है, सिखा भरम चुकाया दृढ़ हो गया, महाराज नाम पता बस गया, सास विरास नहीं भुलता, उन्होंने हिरदे महाराज जिहड़ा भरम सी ये सारा चक दिता, पंज प्रकार का राम नाम हर कीरत गाई, उन्होंने महापुरखा ने राम का नाम रिड़े नाल भी जपदे है, रचना करके ही हरि जी कीर्तन नु गाना कीता है, लार चानन माध देखा है, महाराज जी ने नाम का चानन प्रकाश करके उन्होंने भगती साहब ज्ञान का मार्ग प्रगट करके विखाता परमार्थ दौमै मार एक लिव लागी, इन्होंने मेरे अंदर होमै मार ली है, एक रसम की ब्रह्म की लिव लग गई है, अंतर नाम बसाया सचे पासे ने आपका नाम बसा दिता है, गुरमती जम जो ना साता, गुरमत में धारण वाले पुरख है उन्होंने जम नहीं तार सकता है, साचा नाम समाया गुरमत वाले कौन है जिन्हों का मन सचे नाम समाया लीन हो गया है, सब आपे आप वरता करता जानते तो करता पुरख अपना आप रूप ही सारे जो वरत रहा है, जो पावे सो लाए लाए गुरु महाराज ने पा जाते नाम सचे पाठशाह ला लिया है, नानक नाम लई ता जीवे साहब जी कहते परमेश्वर का नाम लीए तो जीवन भारी हो जाता है, फिर लावे फिर मर जाए सचे पाठशाह नाम तो बिना फिर काल च मर जाना होंगे है, जीवन पौड़ी जो मिलिया हर दीवान जरा भाई हरी के दीवान संगत की सभा
ਹਰੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਜੀਵਾਣੀ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਰੇ ਰਾਜਸਥਾਨਾਂ ਚ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਦੀਵਾਨਾਂ ਚ ਮਹਾਂਸਿੱਧਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਚ ਵੀ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਭਾ ਚ ਵੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿਚ ਸਭਨਾਂ ਚ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਮਝ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਗਿਆਨ ਚ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਵਾਨਾਂ ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭਾ ਵਿਚ ਉਹਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਮਝੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੁਰਖਰੂ ਨਾਲ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਸਹਿਤ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਨੰਦ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲਾਲੀ ਦੇ ਸਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਚਿਹਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਰਖਰੂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਨੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਨੰਦ ਦੇ ਸਮੇਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਆਸ ਲੋਕ ਚ ਵੀ ਜਾਣ ਮਾਤ ਲੋਕ ਚ ਵੀ ਸਾਰਾ ਆਦਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਪਤਾਲ ਚਲੇ ਜਾਣ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਰਾਦਰੀ ਨੀ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਜਮਪੁਰੀ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਰੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਠਾਕੁਰ ਸੇਵ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਧਰੇ ਨਿਤਨਾਮ ਪਾਪਾ ਨਾਲ ਕਰੇ ਮਰਜਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਂਦੇ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਵੀ, ਨਰਕੋਂ ਸੁੱਕੇ ਜੀਵ ਜੰਤ ਕੱਟੀ ਗਲੋਂ ਸਿਲਕ ਦਮ ਫਾਸੀ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਪੂਰੀ ਜਾਨ ਤਾਂ ਕਰੇ ਬੇਨਤੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾਨਕ ਧਰਮ ਵੈਸੇ ਚਲਾ ਕੀਤੇ ਪਵਨ ਪਨੀਤ, ਜੇ ਇੰਦਰਪੁਰੀ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਹੈ, ਇੰਦਰ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਲੋਕ ਚਲੇ ਜਾਣ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵੀ ਆਦਰ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਲੋਕ ਚਲੇ ਜਾਣ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਸੁਰਖਰੂ ਲਾਲ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਸਹਿਤ ਆਨੰਦ ਸਹਿਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਦਾ ਲੋਹ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਪਾਪੀ ਤਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਭ ਪਾਪੀ ਰੁੜ ਜਾਂਦੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਅੰਤਰ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਨਾਮੋ ਪਰਵਰ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮਝਿਆ, ਪੁੱਤ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਗਿਆਨ ਹੈ ਅਤੇ ਧੀ ਧੀਰਜ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੰਤੀ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਮਤ ਸੰਤੋਖ ਰੀਤੀ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਮਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਮ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਮੇਤੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਵਰਿਆ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿੱਤ ਵਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਾਮ ਨੀ ਭੁੱਲਦਾ, ਹਰ ਵਕਤ ਨਾਮ ਦਾ ਦੇਵੀ ਸੰਪਦਾ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਉ ਪੂਜੀਆ ਨਾਉ ਮੰਨੀਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੂਜਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ, ਮਾਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਨੀ ਮੰਨਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੰਸੂਏ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੰਗੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਥੈਲੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਹ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਥੈਲੀ ਲੈ ਕੇ ਬੱਗੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਬੱਗੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸੈਰ ਕਰਵਾ ਕਰੇ, ਲੋਕ ਧਨੀ ਹੋਇਆ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰਨ, ਉਹ ਕਿਹਾ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰਦੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਦੱਸ ਤੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਭੰਗੀ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੂੰ ਹੰਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਜਾਊਂਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਘਾਹ ਖੋਟ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਰੰਬਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੰਗੜੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਈ ਮਾਇਆ, ਇਹ ਲੋਕ ਮੈਂ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਬੱਧੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਸਲਾਮਾ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਨੀ ਤੈਨੂੰ ਟੇਕਦੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਗਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਸਮਝਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲਾਓ ਪੂਜੀਏ ਲਾਓ ਮੰਨੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਪੂਜਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਮੰਨਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਏ ਚਿਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਹੋਰੇ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਜਨਮਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿੰਦੀ ਘਾਤ ਕਰਨਕਾਰੀ ਕਾ ਧਾਨ, ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਮਿਟੇ ਹੈ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਪੂਜਨ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਮਨ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣ ਕਰੀਏ। ਨਾਏ ਚਿਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਹੋਰੇ ਆ, ਸਭ ਜੀਵ ਦੇ ਪਾਪ ਜਿੰਨੇ ਆ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਹਿਰਿਆ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਖਿੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਦਾ ਮੰਨਣ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਦੇ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਕੇ ਚੇਤਨ ਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਹੈ। ਆਖਰ ਜਗ ਰਹੇ ਭਾਈ ਸਦਾ ਆ ਕੇ ਸੁਰੇ ਦੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੇਤੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਲ ਜੀ ਘਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚੇਤੇ ਨੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਪਸੋਜ ਰਾਜਾ ਦੱਸੇ, ਕੋਈ ਕੋਈ ਦੱਸੇ, ਕੋਈ ਕੋਈ ਦੱਸੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਜਿੰਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ ਹੈ, ਆਖਰ ਜਗ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸੂਪਰਲ ਆਦਮੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ,
कोई सिख हम जग दे बाकी कुलों के किन्ने हो चुके कोई नहीं किसी इन्हें विद्वान हो चुके इन्हें पंडित हो चुके है कोई नहीं किसी को जानता।